रायपुर की सड़कों पर वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण यातायात जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। शहर की सड़कें वाहनों की संख्या में वृद्धि और नो पार्किंग जोन को झेलने की स्थिति में नहीं है। वाहन पार्क होने से बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने यातायात पुलिस अब सख्ती बरतने लगी है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। राजधानी रायपुर में त्योहारी सीजन के बीच प्रमुख बाजार सदर, कोतवाली, मालवी रोड, बैजनाथ पारा रोड, गोल बाजार, एमजी रोड, पंडरी समेत अन्य स्थानों पर जगह जगह नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। दरअसल शहर में कई स्थानों पर पार्किंग होने के बावजूद नो पार्किंग जोन में लोग वाहन खड़ी करने से बाज नहीं आते। वहीं सड़कों पर वाहन पार्क होने से जगह जगह जाम की समस्या भी खड़ी हो रही है। लिहाजा यातायात पुलिस ने मौके पर ही ई चालान काटना शुरू कर दिया। ई चालानी कार्रवाई का ब्यौरा। माह जनवरी 1403 वाहनों पर कार्रवाई, फरवरी 1424, मार्च 1663, अप्रैल 1946, मई 2573, जून 1706, जुलाई 1470, अगस्त 1315, सितंबर 1883 और अक्टूबर 4354 वाहनों पर कार्रवाई हुई है। देखिए ऐसे भी मतलब त्योहारी सीजन में विशेषकर और यहाँ पे नो पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग आप पार्किंग अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करते, कहीं भी खड़ी करते थे। इसको देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश पे नो पार्किंग के लिए विशेष अभियान हमने चलाया हुआ है। इसमें इस साल में 19,737 और सिर्फ अक्टूबर माह में ही 4354 वाहनों को जो है इसमें चालान किया गया है, समझाइश दी गई है। राजधानी रायपुर में लगातार नो पार्किंग में खड़े वाहनों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब रायपुर पुलिस ने भी नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चालानी कार्रवाई के साथ पुलिस ने अपनी विशेष पेट्रोलिंग टीम के तहत नो पार्किंग में खड़े चार पहिया वाहनों पर लॉक कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा आने वाले समय में इन कार्रवाई का कितना असर देखने को मिल पाता है। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सन NH 24/7 रायपुर।